नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पंचायत चुनाव के लिए शुरू हुआ कंट्रोल रूम। बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण होगा अगले महीने से शुरू। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर हुए रवाना। बिहार में 1,00,000 से अधिक नर्सरी क्लास शुरू करने की है तैयारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आयकर विभाग ने इंस्पेक्टर असिस्टेंट के पदों पर जारी किए आवेदन। नौकरी की तलाश में बैठे युवाओं के लिए अहम सूचना। आयकर विभाग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, रोड टैक्स असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो कि 10वीं से स्नातक पास है, ऐसे लोग आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxmumbai.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के जरिए आवेदकों की भर्ती प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मुंबई के 155 पदों पर की जाएगी। जानकारी के अनुसार चयनित आवेदक को 1.42 लाख का वेतन भी दिया जा सकता है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच का सफर होगा अब और भी ज्यादा आसान। उत्तर और दक्षिण बिहार आने जाने वालों को आवागमन में सुविधा और ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि गंगा नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना के साथ बिहार सरकार काम कर रही है, जिसके बाद ही उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2025 तक सरकार की योजना अपना रंग दिखाने लगेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 तक राज्य की गंगा नदी पर नए और पुराने मिलाकर कुल 62 लेन के 19 पुल हो जाएंगे। जानकारों की माने तो गंगा नदी पर औसतन प्रत्येक 40 किलोमीटर पर पुल होने से यातायात सुविधा में विकास होगा, लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण होगा अगले महीने से शुरू। बिहार सरकार इन दिनों शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर जोर शोर से काम कर रही है। पहले चरण के खत्म होने के बाद अब अभ्यर्थियों को दूसरे चरण का इंतजार है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण अगले महीने यानी कि अगस्त से शुरू होने की बात सामने आई है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में सतर्कता बरतने का निर्देश नियोजन इकाइयों को दे दिया है। साथ ही दूसरे चरण की प्रक्रिया को लेकर 2, 4 और 9 अगस्त की तारीख पहले ही जारी कर दी गई थी। वहीं इसकी तैयारियों को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जहां पर जिलों के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि दूसरे चरण के साथ ही 400 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की मेधा सूची को तैयार किया जाए, जिनकी काउंसलिंग और मेधा सूची गड़बड़ी के चलते रद्द की गई थी। बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में मॉनसून अगले 48 घंटे के अंदर सक्रिय होने वाला है। मॉनसून के सक्रिय होते ही बिहार में एक बार फिर से झमाझम बारिश की संभावना देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि एक ट्रफ रेखा बिहार के ऊपर से होकर गुजर रही है, जिससे मॉनसून की सक्रियता फिर बढ़ी है। इस बदलाव के चलते उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 26 जुलाई से मॉनसून की सक्रियता से उत्तर पूर्वी बिहार के सुपौल, अररिया, मधुबनी, मधेपुरा और उत्तर मध्य दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया से लगभग 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आचरण प्रमाण पत्र बनवाने में अब नहीं होगी कोई परेशानी। अगर आपको भी आचरण प्रमाण पत्र बनवाने में अब तक परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो अब आपको आने वाले समय में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आचरण प्रमाण पत्र बनाने की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त किया जा रहा है। आचरण प्रमाण पत्र बनाने की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त करने के तहत काफी लोगों को इससे परेशानी का सामना पहले करना पड़ता था, हालांकि अब इस समस्या से निजात मिलने वाली है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से इसके लिए साइबर कैफे या अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि अरवल, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण के अलावा सहरसा जिले में प्रथम चरण में ये लागू की गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे वल्लभ शास्त्री की। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के गया जिले के मैगरा गांव में हुआ था। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक और आलोचक थे। उन्होंने पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पूर्व में भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारा था। वो छायावादोत्तर काल में सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वो थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा में हिंदी में आए थे।
1 लाख से अधिक नर्सरी क्लास शुरू करने की सरकार की है तैयारी। शिक्षा विभाग बिहार में 1 लाख से अधिक नर्सरी क्लास शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इस बाबत नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के तहत बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी क्लास के तौर पर बदलने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों का डेटा संग्रह करने और उनमें नामांकित बच्चों के बारे में डाटा यूडाइस के तहत संग्रह करने का आदेश सभी जिलों को दे दिया है। जानकारों की माने तो गरीब और निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों को सरकार की इस कवायद से काफी लाभ होगा। बांका का यह स्थान दिखेगा पर्यटन विभाग के नक्शे पर, बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला पल सामने आया है। पर्यटन विभाग के नक्शे पर अब बिहार के बांका जिले के चंदन डैम और घटवे नाथ मंदिर को जगह मिलने वाली है। यानी कि अब शक्तिपीठ के नाम से विख्यात चंदन नदी तट पर स्थित घटवे नाथ मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। मंदिर विकास समिति द्वारा अपने स्तर से मंदिर का निर्माण कराया गया है। पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्री ने विशेष पहल शुरू की है। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए जिलाधिकारी से नए पर्यटन केंद्र को चिन्हित कर सूची मांगी गई है, जिसके आधार पर ही अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पर्यटन विभाग के नक्शे पर बिहार के बांका जिले के 2 पर्यटन स्थानों के आ जाने से पर्यटकों की संख्या बिहार में और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन। बिहार सरकार घर घर बिजली पहुंचाने का काम जहां एक तरफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली की चोरी करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसे लोगों की जानकारी निकलकर सामने आई है जिन्होंने बिजली का इस्तेमाल तो किया है लेकिन बिल भरने में आनाकानी कर रहे हैं। हालांकि बिजली विभाग अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने वाला है। इस बाबत ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और इनकी पूरी सूची भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब घर घर जाकर के बिजली विभाग कार्रवाई करने वाला है। इसको लेकर बिजली विभाग की तरफ से एक टीम का गठन भी कर दिया गया है। प्रमंडलवार गठित इस टीम के सदस्य बकायेदारों के घर घर जाकर बिजली बिल भुगतान करने का अनुरोध करेंगे। इसके बावजूद अगर लोगों ने बिल जमा नहीं किया तो कनेक्शन काटने के साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देश के चंद राज्यों में बिहार भी शामिल है जहां पर कोरोना काल के लॉकडाउन में बिजली खपत कम होने के बजाय उसमें वृद्धि हुई है। बिहार पंचायत चुनाव के लिए शुरू हुआ कंट्रोल रूम। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 10 चरणों में होने वाले चुनावी प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। वहीं इसी बीच बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के कंट्रोल रूम का संचालन भी शुरू हो गया है, जिसके तहत पंचायत चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोगों की शिकायतों का निष्पादन किया जा रहा है। पहली बार राजधानी पटना सहित राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में कॉल सेंटर और सोशल मीडिया सेंटर बनाया गया है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में आ रही शिकायतों का निष्पादन आयोग द्वारा किया जा रहा है। कॉल सेंटर में फोन कॉल के जरिए पंचायत चुनाव को लेकर के आम नागरिकों की शिकायतों और सुझाव का निपटारा तो किया ही जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी गंभीरता से आयोग के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया साइट पर भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका विधिवत जवाब दे रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर हुए रवाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन अचानक से राजगीर के लिए रवाना हुए थे। जानकारों की माने तो राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की यह यात्रा थी, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए राजगीर में चल रहे विकास योजना का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा जल उधवा योजना, नेचर सफारी, टाइगर सफारी परियोजना, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा मोनो रोल परियोजना, घोड़ा कटोरा परियोजना का सर्वेक्षण कर हवाई मार्ग से वो पटना लौट गए। बिहार के सरकारी अस्पताल से हटेंगे कबाड़। सरकारी अस्पतालों के आसपास कूड़े कचरे को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। हालांकि अब बिहार के सरकारी अस्पतालों के आसपास से ऐसे कूड़े कचरे को हटाने की व्यवस्था की जाएगी। इस बाबत बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ अस्पताल परिसर की भी सूरत बदलने की दिशा में काम कर रहा है। इसी क्रम में अस्पतालों में इधर उधर फैले कबाड़ को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने MSTC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो भारत सरकार का उद्यम है। मिली जानकारी के अनुसार MSTC ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेकार पड़े सामग्रियों का निपटाया जाएगा। इसके साथ ही ई नीलामी ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि स्क्रैप सामग्री के निपटान की प्रक्रिया को क्रियान्वित करते समय सभी मौजूदा नियमों और मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बिहार में स्कूलों की जमीन के कागजात की सॉफ्टवेयर से होगी निगरानी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में अब स्कूल के जमीन के कागजात गायब होने की परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि सभी सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लैंड रिकॉर्ड को सॉफ्टवेयर में संग्रहित किया जाएगा। इतना ही नहीं, किस पंचायत में किस विद्यालय की कितनी जमीन है और वो जमीन कब से विद्यालय के अधीन है और कितना एरिया में विद्यालय भवन और कैंपस है, इसके साथ ही जमीन का खसरा, संख्या, म्यूटेशन समेत सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित
रखा जाएगा। यही व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सॉफ्टवेयर में होगी। इस बाबत विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थान की जमीन की निगरानी रखी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत जमीन की देखभाल में स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी। यदि जमीन का कोई हिस्सा अतिक्रमण में है तो उसे मुक्त भी कराया जाएगा। बिहार में कोविड 19 के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 81 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 501 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 1, औरंगाबाद में 5, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 5, भोजपुर में 1, दरभंगा में 3, ईस्ट चंपारण में 3, गया में 4, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 1, कटिहार में 3, खगड़िया में 4, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 3, मुंगेर में 4, नवादा में 1, पटना में 6, पूर्णिया में 2, रोहतास में 1, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 2, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 1, वैशाली में 4, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बांका, बक्सर, जमुई, कैमूर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सारण, शिवहर, सुपौल में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,62,272 सैंपल की जांच की गई। वहीं कुल मिलाकर 107 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार के बस से दूसरे राज्यों के जिलों में आना जाना होगा आसान। बिहार की बस सेवा से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर समेत राउरकेला, सुंदरगढ़, रंगपुर, बालासोर, बारीपदा जैसे शहर जुड़ने वाले हैं। परिवहन विभाग ने बिहार से उड़ीसा के बीच 111 रूट तय कर परमिट के लिए आवेदन की मांग की है। इसके अलावा बिहार के विभिन्न शहरों से झारखंड के लिए 200 जबकि उत्तर प्रदेश के लिए 20 से अधिक नई रूट पर बस सेवा का विस्तार किया जाना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए करीब आधा दर्जन मार्गों का चयन निजी संचालन के लिए किया गया है। इसके पहले पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई शहरों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उनकी सूची तैयार कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार लगभग 200 रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाए जाने की योजना के साथ काम कर रही है, जिसके तहत परमिट के इच्छुक वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत ऑनलाइन माध्यम से 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। जीतन राम मांझी ने भाजपा के साथ नहीं होने की कही बात। बिहार की सरकार में साझेदारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीते दिन भाजपा को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके बाद से राजनीति शुरू हो गई। जिसके तहत बीते दिन अपनी पार्टी के विधायक दल की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी भाजपा के साथ नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथ है। भाजपा नीतीश कुमार में जो भी विवाद के मुद्दे हैं उनमें उनकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक दल का स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार का मजबूती से सपोर्ट किया जाए। कई मसले पर भाजपा और नीतीश कुमार के बीच मतभेद है, ऐसे हर मसले में उनकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ पहले भी थी और आगे भी रहेगी। राबड़ी आवास पर सदन में सरकार को घेरने की बनी रणनीति। आज विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, वहीं आज से विपक्ष सरकार को घेरने की योजना के साथ काम करने वाला है। इसी कड़ी में रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राबड़ी आवास पर महागठबंधन विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। सत्र के दौरान किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इसको लेकर महामंथन किया गया। मॉनसून सत्र से पहले राबड़ी आवास पर बुलाई गई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। बैठक से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, जनहित के मुद्दे पर सरकार जवाब दे, महंगाई सहित पिछले सत्र के दौरान विधायकों की पिटाई के सवाल के जवाब की भी उम्मीद सरकार से रहेगी। इसी को लेकर हम लोग एक साथ बैठक कर रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारत को मिली शानदार जीत। श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारत को बेहतरीन और शानदार जीत मिली है, जिसके तहत भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में बढ़त बना ली है। आपको बता दें, श्रीलंका के कप्तान ने भारत के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका को 165 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन टीम मात्र 126 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। भारत ने श्रीलंका को 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने 34 गेंद में 50 रन बनाए, शिखर धवन ने 36 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली। इसके अलावा संजू सैमसन ने 20 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली। यूपी पुलिस ने बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर ही रोका। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। कुछ दिनों पहले ही मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की प्रतिमा को स्थापित करने का ऐलान किया था, लेकिन उसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उन प्रतिमाओं को जब्त कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन यूपी पुलिस ने बिहार के मंत्री को एयरपोर्ट से बाहर आने ही नहीं दिया। मिली जानकारी के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से बाहर निकलने की भी इजाजत यूपी पुलिस ने उन्हें नहीं दी और उन्हें एयरपोर्ट के लाउंज में ही रोक लिया गया। हालांकि इसे
पहले वीआईपी के 50 से ज्यादा प्रमुख नेताओं को उनके होटल में रोक दिया गया था। किसी प्रकार एयरपोर्ट पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लौटा दिया। हालांकि इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान फिलहाल जारी नहीं किया गया है। मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में भाजपा के अकेले सरकार बनाने की कही बात। जदयू और भाजपा के बीच चल रही खींचतान को लेकर बिहार में लगातार राजनीति गर्म है। इसी बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। हाजीपुर में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि हमें पार्टी नेतृत्व को यह बताना होगा कि 2024 के लोकसभा 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में भाजपा अकेले सरकार बनाने की ताकत रखती है। जब तक हमारी सरकार अकेले बहुमत में नहीं आती है तब तक स्थिति में बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमसे 15 विधानसभा में जो गलतियां हुई हैं उसे सबक लेते हुए आगे काम करने की जरूरत है। मेरी जानकारी के अनुसार बीते दिन बैठक का आयोजन पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया था, लेकिन बैठक के दौरान अपनी ही सरकार में शामिल नेताओं ने एक एक करके प्रशासन के खिलाफ खूब भड़ास निकाला, जिसके बाद ही मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी नेताओं से संयम के साथ काम करने की अपील भी की। कॉलेजियम सिस्टम पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया अपना बयान। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से कॉलेजियम सिस्टम का मुद्दा उठाया है, जिसके तहत बीते दिन बक्सर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम लागू रहेगा गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। कुशवाहा रविवार को बक्सर की यात्रा पर थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के लिए यह सिस्टम कलंक की तरह है, इसलिए इसमें बदलाव होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। हालांकि इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध प्रकट किया है, जिसके तहत वो केंद्र सरकार में मंत्री थे उस समय भी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते थे। की मांग है कि जिस तरह से आईएएस आईपीएस और अन्य पदों की बहाली खुले कंपटीशन से होती है उसी तरह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली भी खुली प्रतियोगिता से होनी चाहिए। रामकृपाल ने तेजस्वी यादव को घोटाले के आरोप को साबित करने की दी चुनौती। पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर अपनी बात रखने के क्रम में विपक्ष पर निशाना साधा है। खासकर कि तेजस्वी यादव के नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर दावा कर रहा है कि बिहार में 65 घोटाले हुए हैं तो उसे साबित करे। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, बिहार सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है। विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना, जो वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना था कि 4 दिन संसद में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई है। विपक्ष की हरकतों के कारण हर दिन देश को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विपक्ष की किसी भी बात को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1509 में कृष्णदेव रॉय, जो भारत के सभी हिंदू शासकों में सबसे शक्तिशाली बन जाते थे, विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हुए। 2002 में प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रारंभ हुई। 2005 में नासा के अंतरिक्षयान डिस्कवरी का प्रक्षेपण किया गया। 2009 में भारत न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च करने वाला छठवां देश बना। 1989 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के नाम हुआ स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला खिलाड़ी लक्ष्मीबाई चानू के रजत पदक जीतने के बाद वर्ल्ड रेसलिंग कैडेट चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, जिसके तहत प्रिया मलिक ने हंगरी में स्वर्ण पदक जीता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग कैडेट चैंपियनशिप में प्रिया ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवान प्रिया मलिक ने बेलारूस की पहलवान को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रिया मलिक के अलावा पहलवान तनु ने भी 43 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम दर्ज किया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,430 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,430 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,100 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, रोशन कुशवाहा, शंकर मुखिया, शशि कुमार, त्रिपुरादी शर्मा, बादशाह गेमिंग, संजय कुमार, रमेश पासवान, कृष्ण कुमार, ललित कुमार, नितेश कुमार, परत नितेश कुमार, गौतम कुमार, रणधीर कुमार सिंह, सुरेश यादव, राजा कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के वर्तमान माहौल को देखते हुए पंचायत चुनाव का आयोजन करवाने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग का सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।